Morning class, I am your computer teacher of class 1. Today we will start new chapter of computer, which is chapter number 4, uses of a computer, which is on page number 19. Open page 19. Chapter number 4, uses of computer. मतलब computer के क्या क्या use है, किन किन कामों में computer हमें मदद करता है. तो what all are the tasks that we can do with a computer, वो सारे क्या चीज़ें हैं, क्या टास्क हैं जो हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं. वी कैन डू मैनी टास्क ऑन अ कंप्यूटर, हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टास्क कंप्यूटर पे कर सकते हैं. जैसे कि पहला है, वी कैन सॉल्व स्मॉल एंड बिग मैथ्स सम्स, जो छोटे या फिर बड़े मैथ सम्स होते हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल इन कलर्स, हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उनमें कलर भर सकते हैं. वी कैन प्ले गेम्स, हम उस पर गेम्स भी खेल सकते हैं. वी कैन टाइप लेटर एंड सेंड इट टू आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हम जो लेटर होते हैं उन्हें टाइप करके अपने फ्रेंड्स से या फिर हम उनसे चैट भी कर सकते हैं, जैसे कि किसके साथ, फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव्स के साथ. वी कैन लिसन टू आर फेवरेट सॉन्ग्स, हम अपने फेवरेट सॉन्ग्स को भी सुन सकते हैं. वी कैन रीड कॉमिक्स ऑन अ कंप्यूटर, हम जो कॉमिक्स मतलब जो हंसी की बुक्स होती हैं जिनसे हमें हंसी आती है, मतलब अपने टाइम पास के लिए हम वो भी पढ़ सकते हैं कंप्यूटर पे. वी कैन टाइप वर्ड्स एंड करेक्ट देयर स्पेलिंग्स, हम जो वर्ड टाइपिंग सीख सकते हैं और उसकी स्पेलिंग भी सही देख सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. वी कैन डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स, अलग अलग तरह के बुक्स और मैगजीन्स को भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं. Which all are the places where computer is used, कौन सी places हैं जहाँ पर computer क्या है, use होता है. तो nowadays a computer is used at almost all the places, आजकल क्या है, computer almost सारी जगहों पर ही use होता है. Let us learn about these places, चलो इन places के बारे में पढ़ते हैं. Children learn about computer in school and the entire school record is stored in it. जो स्कूल होता है, पहला कंप्यूटर क्लास होती है ना आपकी, कंप्यूटर सीखते हो आप स्कूल में, और जो पूरे बच्चों का रिकॉर्ड होता है वो भी किस में रिकॉर्डेड रहता है, कंप्यूटर में स्टोर्ड रहता है. All the work in offices is done on a computer, जितना भी offices में वर्क होता है वो किस पे होता है, कंप्यूटर पे ही होता है. कंप्यूटर इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग द न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एंड बुक्स, जो मैगजीन्स वगैरह होते हैं उनको भी, मैगजीन्स बुक्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंप्यूटर से हम डिज़ाइन कर सकते हैं. वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन कंप्यूटर, हम बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर पे कर सकते हैं और घर पे, जहाँ अगर हम घर पे भी कर सकते हैं, जैसे हम कोई मूवी चला ली हमने, एंटरटेन कर लिया, फेसबुक चला लिया, सॉन्ग्स चला लिए, गेम्स चला लिए, चैटिंग कर लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम घर बैठे बैठे भी अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंप्यूटर. हॉस्पिटल्स में किसके लिए, पेशेंट्स के रिकॉर्ड के लिए, और जो हॉस्पिटल में क्या होते हैं इसीलिए कंप्यूटर स्टोर होते हैं, क्यों, क्योंकि जो पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने आ चुके हैं, कितने जा चुके हैं, कितने सही हो गए हैं, कितने ख़त्म हो गए हैं, तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कहाँ कंप्यूटर ज़रूरी होता है हॉस्पिटल में. इन बैंक, बैंक में जो कस्टमर आ रहा है उनका अकाउंट सही है या नहीं, मेंटेन्ड है या नहीं, बैंक में इसका काम होता है कंप्यूटर. जो रेलवे स्टेशन होते हैं, टिकट कलेक्टर होते हैं, टिकट रेलवे स्टेशन पर जो टिकट देते हैं, हम रिजर्वेशन भी ऑनलाइन रिजर्वेशन भी करा सकते हैं और वहाँ जाके रिजर्वेशन भी करा सकते हैं, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से. तो ये थे यूजेज ऑफ कंप्यूटर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, दिस इज द चैप्टर एट अ ग्लैंस, ये आपके एक्सरसाइजेज हैं, इसके आंसर हो नहीं रहे हैं बट इनके आंसर्स आपको वीकली होमवर्क में जो आपको सैटरडे को मिलता है उसमें मिल जाएंगे. आई थिंक हियर क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं अपने, और बुक एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है. थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय.